गेज परिशिष्यों का स्वागत है। आज हम फिटर के विषय में जानेंगे। गेज उद्देश्य प्रकार और उनके उपयोग बताएं। गेज की देखभाल और रखरखाव बताएं। गेज परिचय एक गेज की भौतिक मात्रा को मापने के लिए एक उपकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मोटाई, अंतरिक्ष में अंतर, सामग्री का व्यास या प्रवाह का दबाव निर्धारित करने के लिए। गेज के प्रकार जिन्हें हम देखने जा रहे हैं, त्रिज्या पट्टिका गेज, फिलर गेज, होल गेज। त्रिज्या पट्टिका गेज घटकों को किनारों पर या दो चरणों के इंजेक्शन पर घुमावदार बनाने के लिए मशीनीकृत किया जाता है, इसलिए उन्हें त्रिज्या और पट्टिका कहा जाता है। त्रिज्या का आकार आमतौर पर एक ड्राइंग पर प्रदान किया जाता है। किनारों पर बनी त्रिज्या की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियस गेज कहा जाता है और फिलेट्स की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले गेज को फिलेट गेज कहा जाता है। त्रिज्या पट्टिका गेज के प्रकार और उपयोग। रेडियस गेज का प्रयोग बाहरी रूप से बने रेडियस को चेक करने के लिए होता है। एक मोड़ हुआ घटक पर बने पट्टिका की जांच के लिए एक पट्टिका गेज का अनुप्रयोग। आकार देने के लिए दायरे में हिस्से के कोने की त्रिज्या की जांच करना। एक मिलिंग कटर द्वारा गठित त्रिज्या की जांच करना। कुछ सेटों में प्रत्येक ब्लेड पर त्रिज्या और पट्टिका की जांच करना का प्रावधान है। कुछ सेटों में त्रिज्या और पट्टिका की जांच के लिए ब्लेड के अलग अलग सेट होते हैं। प्रत्येक ब्लेड को धारक से अलग से घुमाया जा सकता है और उसे उस पर उसका आकार उत्कीर्ण होता है। व्यक्तिगत गेज की उपलब्ध है। उनके पास आमतौर पर प्रत्येक गेज पर आंतरिक और बाहरी त्रिज्या होती है और 1 मिलीमीटर के चरणों में 1 से 100 मिलीमीटर के आकार में बनाई जाती है। त्रिज्या गेज की देखभाल और रखरखाव। स्टोरेज के दौरान जंग के खिलाफ निवारक उपयोग के रूप में त्रिज्या गेज को तेल आधारित स्प्रे से कवर किया जाता है। यदि एक त्रिज्या गेज जंग खा जाता है तो यह पुर्जे जब्त हो सकता है। आगे की समस्याओं में गेज की मात्रा का समझौता शामिल है। फिलर गेज एक फिलर गेज में स्टील के मामले में चढ़ी हुई विभिन्न मोटाई के कई कठोर और टेम्पर्ड स्टील ब्लेड होते हैं। व्यक्तिगत पत्तियों की मोटाई उस पर अंकित होती हैं। BIS सेट भारतीय मानक फिलर गेज संख्या 1, 2, 3 और 4 के 4 सेट स्थापित हैं, जो प्रत्येक ब्लेड की संख्या और मोटाई की सीमा से भिन्न होता है। 0.01 मिलीमीटर के चरणों में न्यूनतम 0.03 मिलीमीटर से
एक मिलीमीटर है। ब्लेड की लंबाई आमतौर पर 100 मिलीमीटर होती है। फिलर गेज के उपयोग, भागों के बीच की गहराई की जांच करने के लिए स्पार्क प्लग, अंतराल की जांच और सेट करने के लिए फिक्स्चर सेटिंग ब्लॉक और मशीनिंग कार्य के लिए कटर या टूल के बीच क्लियरेंस सेट करना, जांच करने के लिए और वायरिंग क्लियरेंस को मापने और कई अन्य प्रयोजन जहां एक निर्धारित शुल्क निकासी के लिए बनाए रखा जाना चाहिए। फिलर गेज की देखभाल और रखरखाव, जंग को रोकने के लिए स्टोरेज से पहले फिलर गेज को एक तेलीय कपड़े से साफ किया जाना चाहिए। वोंकी डोंकी अनुशासन करता है कि आप नुकसान को रोकने के लिए वास्तविक उपयोग के अलावा हर समय ब्लेड को बंद रखें। होल गेज का उपयोग छिद्रों के आकार को मापने के लिए किया जाता है। होल गेज के प्रकार, दो प्रकार के होल गेज, टेलीस्कोपिक होल गेज, छोटा होल गेज। टेलीस्कोपिक गेज ठीक काम के लिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वे बहुत कठोर होते हैं और बेहतर फील कराते हैं। निर्माण, टेलीस्कोपिक गेज टी आकार के होते हैं। इसमें टेलीस्कोपिक पैर या एक हैंडल से जुड़े प्लंजर की एक जोड़ा होता है। प्लंजर उन्हें अलग करने के लिए स्प्रिंग लोडेड है। एक होल या स्लॉट में गेज डालने के बाद उसे नुकीले हैंडल को मोड़कर स्थिति में लॉक किया जा सकता है। टेलीस्कोपिक गेज के उपयोग, होल, स्लॉट और अवकाश के आकार को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। 8 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर तक के होल को मापने के लिए टेलीस्कोपिक गेज 6 नाक के सेट में उपलब्ध है। छोटे होल गेज, टेलीस्कोपिक गेज 9 मिलीमीटर से नीचे के होल को मापने के लिए उपयुक्त नहीं है। छोटे होल और स्लॉट को मापने के लिए छोटे होल का उपयोग किया जाता है। निर्माण, एक छोटे से होल वाले गेज में एक ट्यूब होता है जिसमें एक छोर पर विपरीत दिशा में होल होता है जहां कठोर गेंदें तय होती हैं। ट्यूबर के दूसरे सिरे पर एक बाहरी धागा होता है। एक पेचदार थिम्बल थ्रेडेड ट्यूबर के साथ तय किया गया है। एक पतले सिरे वाला प्लंजर और स्प्रिंग लोडेड ट्यूबर में डाला जाता है और पेचदार थिम्बल से कस दिया जाता है। थिम्बल के अंत में एक नुकीला हैंडल लगाया जाता है। घुमावदार हैंडल को दक्षिण पूर्वित दिशा में घुमाते समय सवार आगे बढ़ता है और सतहों से संपर्क करने के लिए गेंदों को बाहर धकेलता है। छोटे होल वाले गेज के उपयोग, एक छोटे होल गेज एक उपकरण है जिसका उपयोग अप्रत्यक्षी माप के लिए किया जाता है, जबकि एक माइक्रोमीटर का उपयोग आमतौर पर सीधे आकारों को
मापने के लिए किया जाता है। 3 मिलीमीटर से 13 मिलीमीटर तक के होल को मापने के लिए 4 नंबर के सेट में छोटे होल वाले गेज उपलब्ध हैं। छोटे होल वाले गेजों की देखभाल और रखरखाव। जंग को रोकने के लिए एक हल्के फिल्म तेल के साथ छोटे होल के धातु के हिस्से को कोट करें। अलग अलग कंटेनर में गेज स्टोर करें। ग्रेजुएशन और मार्किंग को साथ और स्पष्ट रखें। छोटे होल वाले गेज न छोड़ें। छोटे खरोंच और खरोंचे के परिणाम स्वरूप गलत माप होगा। प्रश्न, इस गेज का नाम क्या है? ए होल गेज, बी त्रिज्या गेज, सी फिलर गेज, डी डायल गेज। उत्तर, सी फिलर गेज। आशा है सभी को गेज के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। धन्यवाद।